Nita Ghosh, today we are here for Daisat Chetna Ka Muhurat. This is really a privileged moment for all of us. And I'm basically a theatre artist too, and I'm doing lots of movies in South and TVCs also. This is my first movie in Bollywood. So I'm really excited to share the moment with all of you. And Daisat Chetna Ka is something about a social awareness creating message movie. This has lots of, you know, varieties and moments. And a girl or anybody, if she is missing from Kashmir or something, a place, Kashmir से अगर मुंबई में अगर कोई भी lost हो जाता है, तो जो अलग अलग हम लोगों का धाराएँ हैं और वहाँ का जो moment, मतलब वहाँ का जो पुलिस है और यहाँ का जो पुलिस है, वो लोग कैसे एक मतलब लड़की को वहाँ से निकालते हैं और उसके ऊपर पूरा movie है. So it's like an interesting story, and the story, it has lots of feeling, I guess. And suspense is there, so much suspense is there. So I think हम लोग शुरू करने वाले हैं और आगे आप बोलेंगे. जी जी. तो जैसे कि इन्होंने बताया, दहीसर चेकना का बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है. वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है, वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे. और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं. तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सिचुएशंस उभरते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है. इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है. और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा. और जो कि एक जो सस्पेंस है, उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है. सो लाइक शी सेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दहीसर चेकना का. आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, रियल्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है. पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फॉर्मूले वाले फिल्म से काफ़ी ऊब गई है. तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी और बहुत सारा एंथुजियाज्म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये दहीसर चेकना का एग्जैक्टली क्या है. Okay, and I wanted to ask you, sir, you know, we have seen you working in Lucky for long. You also training in crime support as an inspector, you know. Right. How different would be the inspector role to be able to play in Daisat Chetna Ka? Because it's a Marathi guy. Right. Are you going some sort of workshop or something? I don't think I'll be doing a lot of workshops or anything, but जहाँ तक मराठी का सवाल है, मैं मुंबई का लड़का हूँ, मराठी मैंने स्कूल में सीखी है और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे. और भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं. तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर, उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे. लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं, वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं. दे व्हेनेवर इट्स अ पंजाब स्टोरी, वो लोग मुझे बुलाते हैं, पता नहीं क्यों. तो दिस द फर्स्ट टाइम आई बी प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कॉप. और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं. लेकिन देखूँगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूँ या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशन है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ, तो वो तो सेट पे जब जाएंगे और सीन्स पे काम करेंगे तभी पता चलेगा. ओके, क्या आई बिलीव यू हैव सीन बाजीराव मस्तानी, द वे स्पेशल एडिक्शन. यस, मैं लहजे की बात करता हूं. यस यस, रणवीर ने जितना प्यार किया वो लहजा नजर आता है कि मराठी का. जी जी जी. क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे आपको अलग करे, क्योंकि बी प्लेइंग अ कॉप. बिल्कुल बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे. अगर हम महाराष्ट्रन मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा. जाहिर सी बात है बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ, बिकॉज हम आम तौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्रियन कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं. तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे, बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है. तो
उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली। तो एक्ट्रेस क्या ये हाफ विडो की कहानी है? अगर मैं कश्मीर की बात करूँ या मैं धारा 370 की बात करूँ, बहुत से लोग, बहुत से मैं कहूँगा महिलाओं के शौहर या पति जो मिले नहीं है, हाफ विडो कहा जाता है कश्मीर में, क्या ये उसके संघर्ष की कहानी जो निकली है ढूंढने के लिए मेरा पति कहाँ है? ये तो हम नहीं बता सकते, दिस इज द सस्पेंस, अभी हम नहीं खोल सकते कि किस चीज़ के लिए खोज में निकली है। बट ऑफकोर्स इट बेस्ड ऑन यू नो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्रीज में और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की खोज में निकलती है, उसके ऊपर स्टोरी है। आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके, मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए, और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचती है, इसके ऊपर स्टोरी है। आर यू पीपल आर फॉलोइंग योर स्ट्रेटजी ऑफ विद्या बालन व्हिच शी हैज डन ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कहानी की टू ट्रैवल यू नो इन अ डिजाइन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो दुनिया ही अलग है, तो क्या ये खास यूएसपी बना के चल रहे हैं आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्रमोशन स्ट्रेटजी की? एक लड़की है, निकली है, ढूंढ रही है। मुझे लगता है ये स्टोरी कहानी से तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी पे लिटिल बिट रिवेंज तो है, बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या बालन ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है, पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है, और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत लॉज के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा। पर्सन जैसे कि जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो सब यही कहते हैं कि आई एम एन अकोमोडेटिंग एक्टर। अंडररेटेड आप कह रहे हैं तो मुझे ये सुन के खुशी हो रही है कि समवन फील्स दैट आई एम मे बी आई हैवन गॉट द काइंड ऑफ पार्ट्स दैट आई डिजर्व, बट सर ऐसा है कि वन हैज़ टू जस्ट गो विद द फ्लो। आपको मतलब मेरे करियर में एक ऐसा फेज आया था जिसमें मैंने अपने करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही काम करूंगा और सिर्फ फिल्में करूंगा और सिर्फ ये करूंगा, लेकिन वो जो मेरे 3 साल मेरी लाइफ के थे और वो जो मेरा करियर का डिसीजन था वो सबसे ख़राब डिसीजन था, बिकॉज अपनी इंडस्ट्री बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओपननेस इन द इंडस्ट्री, और कभी कैम्प सर तो कैम्प तक तो सर मैं आज तक पहुँच ही नहीं पाया, वो तो बहुत दूर की बात है। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि वॉट एवर आई एम गेटिंग आई एम डूइंग। हाँ मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि कहीं पे भी कोई मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जिससे कि मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी इमेज है वो ख़राब हो या कहीं पे वो डिग्रेड हो, बट येस आई एम नॉट वेरी चूजी अबाउट माई वर्क राइट नाउ। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद एवरी वन, जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जो भी पार्ट मुझे दे रहे हैं मैं पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहता हूँ।